देखिए गौरी लंकेश, हम सभी लोग, कन्हैया हो, जिग्नेश हो, मैं हूँ, अनिर्बान हो, शैला हो, हम सबसे बहुत क्लोज थी, हमारी दोस्त थी, हमारी साथी थी। जिंदगी में पहली बार मैं उनको एक प्रोटेस्ट में ही मिला था और उस प्रोटेस्ट से ही हमारी दोस्ती हुई थी और वो दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद हम मिले, फ़ोन पर बात करते रहते थे और वो हमेशा ही बोलते थे कि तुम सारे मेरे बच्चे हो, एंड आई, यू आर लाइक माई सन्स, एंड आई एम यू, आई हैव अडॉप्टेड ऑल ऑफ यू बिकॉज हमारी विचारधारा एक है और मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे ऐसे बने। और हमको जब से ये खबर मिली है, तो हमको अभी तक, मैं जितने प्रोटेस्ट में आया हूँ, बहुत सारे प्रोटेस्ट में आया हूँ जब बहुत सारे लोगों को मारा गया है राइट विंग ताकतों द्वारा, तो बहुत गुस्से से हमेशा आते हैं हम, लेकिन दिस टाइम दैट गुस्सा इज ऑल्सो वेरी पर्सनल बिकॉज दिस इज अ पर्सन हु वाज वेरी क्लोज टू अस एंड दैट इज समथिंग वेरी शैटरिंग। ये जो माओइस्ट और नक्सलाइट्स का लिंक निकाला जा रहा है एक सेक्शन ऑफ मीडिया के द्वारा या फिर और उसको एज अ प्रोपेगेंडा कहिए या फिर जो भी कहिए, लेकिन उसे फैलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? मतलब अभी तो एसआईटी बैठ गई है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, बट कंक्लूजन पे हम लोग पहले से आ जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए जहाँ तक हम लोग जो बोल रहे हैं उसकी बात है, तो एक पैटर्न है और वो पैटर्न धाबोलकर पंसारे कलबुर्गी के डेथ से सामने आता है, एंड द फैक्ट दैट गौरी लंकेश वाज़ ऑन द कोट एंड कोट हिट लिस्ट ऑफ द वेरी सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरी सेम फोर्सेस पॉइंट्स फिंगर्स एट देम, ऑल्सो द फैक्ट दैट हू इज सेलिब्रेटिंग हर डेथ, वॉट इज देयर आइडियोलॉजी, इट मेक्स सर्टन थिंग्स वेरी क्लियर। वेन इट कम्स टू द नक्सलाइट एंड द माओइस्ट एंगल टू इट, आई मीन नथिंग कैन बी मोर लाफेबल, दो इट्स सच अ ट्रेजिक टाइम दैट इवन लाफ्टर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट ये किसी इंसान ने जिंदगी भर काम किया राइट विंग ताकतों के खिलाफ, किसी इंसान ने जिंदगी भर काम किया ब्राह्मणवाद के खिलाफ और उसको आके नक्सली मार देंगे, मतलब ये बात सोचना बहुत ही अजीब है। ये बोला जा रहा है कि वो नक्सलियों का सरेंडर, लॉजिक ये दे रहे हैं कि उनके जो लास्ट टू ट्वीट्स थे तो उनसे वो ये कंक्लूड कर रहे हैं कि माओइस्ट और नक्सलाइट जो है वो इसके पीछे हो सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा विस्तार में इसका जवाब देना चाहूँगा। उनके लास्ट टू ट्वीट्स क्या थे, मैंने वो ट्वीट्स देखे हैं और वो ट्वीट्स जब देखे जब उन्होंने पोस्ट किए थे वो जिंदा थी। एक उनका ट्वीट था कि लेट्स बी अवेयर ऑफ फेक न्यूज़ एंड लेट्स नॉट पोस्ट फेक न्यूज़, वो हुआ था जो बिहार में लालू प्रसाद यादव आरजेडी ने रैली करी थी, उसका एक फेक फोटो घूम रहा था और बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे थे, उसके रियल फोटो है, तो उन्होंने बोला कि उसको वेरीफाई करना चाहिए, विदाउट वेरीफाइंग लेट्स नॉट शेयर एनीथिंग दैट मूव्स अराउंड इन द सोशल मीडिया, सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग दैट शी सेड इज दैट वी आर ऑल डिवाइडेड वेयर एज़ वी शुड फाइट द लार्जर एनिमी, the larger enemy is RSS, that is the same thing that even I said today, and that is something that a large section of democratic forces are feeling today, that there is a need to unite to fight this larger enemy that is staring at us right in the face. When it comes to the Naxalites, it's something else that's being brought, and that is the fact that she was involved in facilitating the fact that those who were underground cadres of the Maoist movement, of bringing them into the quote unquote mainstream, that is what she was involved in for a long time, and that is why now this thing is being coming out, and it's come out shamefully from a brother as well, that Maoists were not happy with her. Now I don't know whether Maoists were happy with her or not, but it's so unbelievable that Maoists, going by their modus operandi, the way Maoists operate, I mean, never have the Maoists targeted any intellectual who's on the left or the liberal. So to say that the Maoists will do something like this is completely unimaginable, and it doesn't serve the Maoist logic. It serves right-wing propaganda machinery. It serves right-wing politically, and it also serves to silence other people, and that's what they're trying to do.